नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में। और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। चीन में एक न्यूली मैरिड कपल चर्चा में है। चीन में 38 साल की एक अमीर महिला ने 23 साल के एक लड़के से शादी रचाई है। इसकी फोटोज वायरल होते ही दूल्हे और दुल्हन की उम्र को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है। दूल्हे और दुल्हन की उम्र में 15 साल का फर्क है। दोनों में जब रोमांस शुरू हुआ, उसके कुछ दिनों बाद ही महिला प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और लड़के ने पेरेंट्स के सामने प्रपोजल रखा। हालांकि फैमिली ने उम्र का हवाला देते हुए इस शादी को ठुकरा दिया। महिला ने इस फैसले के बाद लड़के की फैमिली को 66 लाख रुपए कैश, एक रियल स्टेट लॉट और एक फरारी स्पोर्ट्स कार दहेज में देने का फैसला किया। दहेज में करीब 5 करोड़ रुपए का गिफ्ट और कैश मिलने के ऑफर के बाद लड़के के पेरेंट्स शादी के लिए तुरंत राजी हो गए। बता दें, महिला रियल स्टेट का बिजनेस करती है और पहले भी एक शादी कर चुकी है। पिछली शादी से उसका 14 साल का एक बच्चा भी है। इस बेमेल कपल की शादी एक शानदार सेरेमनी में हुई। दोनों रेड कलर की फरारी में सेरेमनी में पहुँचे, वहीं दुल्हन सोने के गहनों से लदी हुई दिखी। इस शादी को लेकर लोगों के मिले जुले रिएक्शंस देखने को मिले। कुछ लोगों ने उन्हें बधाई दी, लेकिन कुछ का दावा था कि लड़के ने अमीर महिला से पैसों के लालच में शादी की। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर एक यूजर ने लिखा, मैं एक बार फिर पैसों की ताकत को मान गया, इससे कुछ भी खरीदा जा सकता है।